देखिए आज हम और कल का अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारा सवाल है वो दो चर राशियों में दिया गया था, एक्स और वाई में, और दो पक्षों में दिया हुआ था। आज हम इस प्रकार के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जिनमें एक चर राशि पर पावर में दूसरी चर राशि हो, या एक ही चर राशि पर वही चर राशि पावर के रूप में हो, अर्थात घात के रूप में हो, तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे हल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड पर दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल है एक्स की पावर एक्स, दूसरा एग्जाम्पल है साइन एक्स की होल पावर एक्स, तीसरा एग्जाम्पल है एक्स की पावर साइन एक्स, और चौथा एग्जाम्पल है एक्स की पावर वाई बराबर वाई पावर एक्स। आज का जो टॉपिक है एक चर की पावर में दूसरी चर राशि, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जब इस प्रकार के एग्जाम्पल दिए गए हो किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, और इस बेस के ऊपर बोर्ड एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है 6 नंबर का। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आउटकम की दृष्टि से। तो इन सवालों को किस प्रकार से किया जाता है, अब इन एग्जाम्पल्स में भी दो प्रकार के एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल ऐसा है कि जिसमें केवल एक ही पक्ष है और एक चर राशि की पावर में वही चर राशि है। चौथा एग्जाम्पल ऐसा है कि जिसमें दोनों चर राशियां हैं, एक्स भी है और वाई भी है, और एक चर राशि दूसरी चर राशि की पावर में दी गई है, और दो पक्ष दिए गए हैं LHS और RHS। जबकि पहले, दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल में एक ही चर राशि दी गई है और साथ में एक ही पक्ष है, LHS और RHS दो पक्ष नहीं है। तो देखिए जब हमारा सवाल एक ही पक्ष में हो, तो हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जब हमारा सवाल एक ही पक्ष में हो तो सबसे पहले y के बराबर मानेंगे, और y बराबर मान करके दो पक्ष बनाएंगे LHS और RHS। और जब हमारा सवाल दो पक्ष में दिया गया हो LHS और RHS में, तो y के बराबर मानने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात y के बराबर नहीं मानेंगे। तो हम पहले तीन एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहले, सबसे पहला एग्जाम्पल है एक्स की पावर एक्स। देखिए एक्स की पावर एक्स को कैसे हल करेंगे, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, और एक्स से जो चर राशि है उसी की पावर में वही चर राशि दी गई है। सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को जो एक ही पक्ष में हो y के बराबर मानना है, तो हमने सबसे पहले माना y बराबर x की होल पावर x। अब हमने दो पक्ष बना लिए LHS और RHS। अब जब एक चर की पावर में चर राशि दी गई हो, या एक चर की पावर में दूसरी चर राशि दी गई हो, तो इन सवालों को हल करने की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विधि ये की है, और वह है लघुगणकीय विधि। और लघुगणकीय विधि में सबसे पहला है कि दोनों पक्षों का लोग लेने पर, अर्थात ये दो पक्ष हैं दोनों पक्षों का लोग लेंगे, और लोग लेने के बाद में जहां दो फलन बन रहे हैं वहां फर्स्ट लोड सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे, जहां एक ही फलन है उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो देखिए इसको आपने समीकरण नंबर एक डाल दिया और यहां नीचे लिख दिया दोनों पक्षों का लोग लेने पर, दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर। यहां से आया लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की होल पावर एक्स। लघुगणक के हमने तीन फॉर्मूले पढ़ चुके हैं,
कक्षा 11 में लोग के तीन सूत्र आए होंगे आपके पास। पहला फॉर्मूला था लोग एन नाइन, अर्थात दो या दो से अधिक संख्याएं गुणा के रूप में हो तो लोग लेते समय लोग लेने पर उन संख्याओं को प्लस के रूप में योग के रूप में अलग अलग लोग के साथ लिख दिया जाता है, अर्थात लोग एन प्लस लोग एन। और तीसरी राशि अगर होती तो तीसरी राशि में प्लस लगा करके लोग के साथ लिख देते। दूसरा सूत्र है लोग एन की हो पावर एन हो तो पावर को पहले लेंगे और जो तत्व तो लिख देंगे, तो हमारे पास है एन दो लोग एन। और तीसरा फॉर्मूला है जब हमारे पास एन बटा एन के रूप में अंश बटा हर के रूप में संख्याएं दी गई हो लोग एन बटा एन, तो हम इसको लिखेंगे लोग एन माइनस लोग एन। अर्थात इन तीनों सूत्रों की सहायता से हम इन सवालों को हल करेंगे। जैसे यहां सूत्र नंबर दो का उपयोग हो रहा है कि जब लघुगणक में किसी संख्या की पावर में कोई संख्या दी गई हो तो पावर को पहले लिखेंगे और लोग को जो का तो लिख देंगे आगे संख्या से ही। तो हमारे पास यहां सूत्र लगाने पर प्राप्त हुआ लोग वाई बराबर ये जो पावर में एक्स है इसको पहले लेंगे एक्स डॉट इसको जो का तो लिखेंगे लोग एक्स। अब हमारे पास पहले जैसे सवाल के रूप में हमारा एग्जांपल चेंज हो गया, जैसे पहले लेक्चर में इससे पहले वाले लेक्चर में हम याद किए थे कि जब एक्स और वाई दोनों दिए गए हो दो पक्ष दिए गए हो तो दोनों में हम सूत्र लगा सकते हैं अलग अलग। जहां दो फलन की बात आए तो फर्स्ट डॉट सेकंड का लगा देंगे और जहां वाई की बात आए अर्थात वाई का अवकलन कर रहे हैं हम यहां एक्स के सापेक्ष तो वाई में फॉर्मूले लगाएंगे साथ में वाई के साथ डीवाई बाई डी एक्स भी लिखेंगे। तो आइए हम इसका आगे अवकलन करते हैं। देखिए लोग वाई लोग वाई का अवकलन है एक बटा वाई अर्थात लोग एक्स का अवकलन होता है एक बटा एक्स, तो सेम फॉर्मूला वाई में लगेगा इसलिए लोग वाई का अवकलन एक बटा वाई डॉट डीवाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। यहां दो फलन है ये फर्स्ट फलन है और ये सेकंड फलन है। फर्स्ट डॉट सेकंड का सूत्र लगाएंगे यहां फर्स्ट डॉट सेकंड का सूत्र है फर्स्ट फलन जो का तो इसलिए एक्स जो का तो डॉट लोग एक्स का अवकलन करेंगे डॉट एक बटा एक्स आता है डॉट एक बटा एक्स लिख दिया प्लस सेकंड फलन जो का तो अर्थात लोग एक्स लोग एक्स डॉट फर्स्ट फलन का अवकलन करेंगे एक्स का अवकलन करेंगे तो एक होगा डॉट एक। वाई को आरएचएस में पक्षांतरित कर दिया वाई को आरएचएस में भेज दिया तो हमारे पास प्राप्त हुआ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स से एक्स कट गया यहां से वाई को ट्रांसफर किया था यहां वाई गुणा के रूप में है यहां वाई भाग तो यहां वाई भाग के रूप में है तो यहां वाई गुणा के रूप में आ जाएगी तो
इस प्रकार से हम
प्रकार के फलों का अवकलन हम इजीली वे में कर सकते हैं। अब इसी के साथ तीसरा एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर के पहले हमारे सवाल को y के बराबर मानेंगे
और y के बराबर मान करके दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, और दोनों पक्षों का लॉग लेने के बाद में m की पावर n का सूत्र लगा करके पावर को पहले लेंगे और फर्स्ट टर्म को सेकंड। हमारा यहां पर दो भागों में होगा, फर्स्ट टर्म सेकंड। दो फलन दिए गए हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड। फर्स्ट टर्म सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे और फर्स्ट टर्म सेकंड के फॉर्मूला लगाने के बाद में y का पक्षांतर करेंगे और y का पक्षांतर करके y का मान रख देंगे। इसी प्रकार से हम एक चर में उसी चर की राशि दी गई हो पावर के रूप में तो आराम से हम हल कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर चार है। एग्जाम्पल नंबर जो चार है, एग्जाम्पल नंबर चार एग्जाम्पल नंबर एक दो तीन से अलग है। एग्जाम्पल log x dot
डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई के ऊपर का माइनस वाई बटा एक्स, अर्थात डीवाई बाई डी एक्स के पदों को आर एल एच एस में और जिन पदों के साथ डीवाई बाई डी एक्स नहीं है उनको आर एच एस में पक्षांतरण करने पर इन दोनों में से डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आया डीवाई बाई डी एक्स इंटू यहां से बता दो एक्स माइनस यहां से बता एक्स बटा वाई इज इक्वल टू लॉग वाई माइनस वाई बटा एक्स में एक्स का रूट कब आ गया, एक्स यहां ऊपर चढ़ गया और यहां एक चढ़ गया, तो हमारे पास यहां आया एक्स डॉट लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। देखिए आगे डीवाई बाई जाएगा जब हम आगे पहुंचेंगे तो बताएंगे आपको किस प्रकार से आता है, उसको कैसे हल किया जाता है।